और G20 के आयोजन को लेकर दुनिया की अखबारों में जो लिखा जा रहा है उसे जानकर अब आप हैरान रह जाएंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और कई मुस्लिम देशों के अखबारों ने मोदी और G20 पर जो रिपोर्टिंग और कवरेज की है वो दुनिया में भारत के बढ़ते हुए कद को दिखाती है। कई अखबारों ने तो ऐसा भी लिख दिया है कि जिस तरह का भव्य आयोजन मोदी ने किया है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। भारत में हो रहा G20 सम्मेलन दुनिया के इतिहास में एक मील का पत्थर बनने जा रहा है। वर्ल्ड लीडर मोदी, विश्वमित्र मोदी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री मोदी, दुनिया में इस वक्त दो नामों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, पहला भारत और दूसरा मोदी। इन दोनों नामों के इर्द गिर्द पूरी दुनिया के अखबारों में खबरों को बुना जा रहा है। जब पूरी दुनिया का पावर सेंटर नई दिल्ली बन गया है और दुनिया के बड़े बड़े नेता इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, तो दुनिया की हेडलाइंस अब दिल्ली से बन रही हैं। आज हमने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और अरब के कई बड़े अखबारों का अध्ययन किया है और ये पता लगाया है कि आखिर देश के बारे में इन बड़े बड़े इंटरनेशनल अखबारों में छप क्या रहा है। ये सब हम आपको आज विस्तार से बताने वाले हैं। इसके अलावा हम बात चीन की भी करने वाले हैं। ग्लोबल टाइम्स के लेखों से ये समझ में आ रहा है कि भारत और मोदी की उपलब्धि से चीन कितना चिढ़ रहा है। इधर दूसरी ओर दुनिया के तमाम देशों के साथ भारत अपने रिश्ते गहरे करता जा रहा है। हर तरफ G20 के आयोजन को लेकर चर्चा हो रही है। विशेषज्ञ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भारत ने इस पूरे आयोजन के दौरान जिस तरीके की भव्यता से सारे कार्यक्रम किए हैं उसे देखते हुए अब किसी भी देश के लिए इतनी भव्यता किसी कार्यक्रम में कर पाना बेहद मुश्किल होगा। वहीं दूसरी तरफ चीन अंदर ही अंदर बहुत बेचैन और परेशान नजर आ रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के G20 में नहीं आने से बाइडेन भी खफा नजर आ रहे हैं। चर्चा तो ये भी है कि बाइडेन अब चीन के प्रधानमंत्री से दूरी बनाए हुए हैं और किसी मुलाकात के भी इच्छुक नहीं है। आगे क्या होने वाला है, चीन किस तरह भारत का बढ़ता रुतबा देख कर परेशान है, ये सब भी आपको बताने वाले हैं। और भारत में हो रहे G20 सम्मेलन पर पूरी दुनिया की इस वक्त नजर है। पूरी दुनिया का मीडिया इसे कवर कर रहा है। अमेरिका समेत कई देशों के अखबारों ने G20 के आयोजन को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। किस अखबार ने क्या लिखा है आइए आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब G20 की कार्यवाही शुरू की तो उस वक्त इंडिया की जगह पर भारत लिखा हुआ था। इस बात पर भी पूरी दुनिया के अखबारों में काफी कुछ लिखा जा रहा है। इंडिया बनाम भारत पर आखिर दुनिया क्या सोच रही है इसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आखिर इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में मोदी, G20 और भारत के बारे में क्या छप रहा है। जरा ये हेडलाइंस देखिए जो अमेरिका के अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट की है। ब्रांड इंडिया एंड मोदी टेक सेंटर स्टेज एट G20 समिट। इसका मतलब है कि G20 की समिट में इंडिया का ब्रांड और मोदी केंद्रीय मंच पर। और सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बता दें, G20 समिट की सबसे बड़ी चुनौती थी कि यूक्रेन पर